हेलो फ्रेंड्स, मैं इकबाल जुबेरी डोंगरी एक्सप्रेस से। इस वक्त हम मौजूद है चूनावट्टी बाबा हॉस्पिटल के पास में, जहां पे वैक्सीनेशन का कार्य चालू है। इस तरफ देखेंगे कि आप ये जो मेन गेट है जहां से एंट्री होता है, और ये पेशेंट्स है जो क्यू में खड़े हुए हैं। ये सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इधर पे आते हैं और क्यू लगा के इधर पे जब इनका नंबर आता है, जब इनसे इन्हें मेन गेट से अंदर एंट्री किया जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर किस तरह से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है और किस तरह से यहाँ के जो लोकल और पुलिस और डॉक्टर से अधिकारी है अपना काम कर रहे हैं। हम इस वक्त अंदर आ गए हैं हॉस्पिटल के गेट के अंदर, जहाँ से फर्स्ट काउंटर शुरू होता है। यहाँ पे मैडम बैठे रहते हैं और ये कुछ चेक करते हैं, जिसके बाद पेशेंट को आगे वैक्सीन के लिए भेजा जाता है। आपका नाम क्या है? संध्या मोरे। आप इधर पे क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पर जितने भी ये वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, उन लोगों का आईडी चेक करना, स्लॉट देखना, और उसके बाद में अंदर भेजना है वैक्सीनेशन के लिए। ये ड्यूटी है। तो आप यहाँ पे आईडी वगैरह चेक करके आगे पास करते हैं? ये नॉर्मली 8:30 से शाम 5 बजे तक रहता है, लेकिन आज 12 बजे स्टार्ट हुआ है। लेट स्टार्ट हुआ, वैक्सीन नहीं था जी, इसीलिए। ओके, वैक्सीन नहीं था इसलिए लेट 12 बजे से चालू हुआ। कितने के पेशेंट रहे? कुछ कम से कम 250 या अबव होते, कभी कभी 230-240। तो सारे पेशेंट कवर हो जाते हैं? मोस्ट ऑफ होते ही हैं, मोस्ट ऑफ होते हैं। ओके, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। इसके यहाँ पे स्क्रीनिंग डेस्क लिखा हुआ है, यहाँ पे मैडम बैठे, पूछते हैं ये क्या करते हैं। इनका जब फर्स्ट काउंटर से आईडी वगैरह चेक करके अंदर पेशेंट पास होते हैं, इधर पे सेकंड काउंटर है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, पहले इनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है मैडम? डॉक्टर प्रणाली काटकर। प्रणाली, तो आप इसी हॉस्पिटल से है या बीएमसी की तरफ से? बीएमसी के तरफ से, और ये जो पूरा सेंटर है वो सब बीएमसी के तरफ से है। तो आप यहाँ पे करते क्या हैं? मैं स्क्रीनिंग ऑफिसर हूँ कि आए हुए पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और उनको कुछ है क्या, कोई मेडिकेशन चल रही है क्या, तो ये सब मेडिकल हिस्ट्री में होता है उनके। पेशेंट को कोई मेडिकल, जैसे डायबिटीज या हार्ट का पेशेंट हो या ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है प्रीवियस, तो क्या करते हैं आप? तो सबसे पहले तो पूछते हैं कि आपने मेडिसिन खाई है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम पूछते हैं कि आपने अपने डॉक्टर से एडवाइस लिया है कि नहीं, कि आप वैक्सीन ले सकते हो या नहीं। अगर उन लोगों ने बोला कि हमने फिजिशियन से एडवाइस नहीं लिया है, तो हम लोग एक काम करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप फिजिशियन से एडवाइस लो और रिटर्न लेटर हमको व्हाट्सएप कर दो, ताकि हम। तो मैडम, अगर किसी ने अपॉइंटमेंट लिया है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद में ही इधर आता है, और फिर अगर आप उसको ऐसा भेजते हैं, तो फिर उनको सेकंड टाइम वो सीधा अपने फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं और इतना बोलते हैं कि हम इतना ही बोलते हैं कि फिजिशियन के लेटर पैड पे जो भी आप रिटर्न लेटर दे रहे हो, जस्ट उन्हें व्हाट्सएप करने बोलो, एंड पेशेंट भी कोऑपरेट करते हैं। क्यों? मतलब यहाँ से आप कॉल करने लगाते हैं पेशेंट को ऑनलाइन और डॉक्टर से व्हाट्सएप पे डिटेल मंगाते हैं? हाँ, कि मतलब डॉक्टर से आपके रिटर्न में दे दीजिए कि इनको वैक्सीन देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने। उसके बाद में अगर डॉक्टर नहीं अवेलेबल होता है पेशेंट का, और जैसे लिख के नहीं देते, तो फिर आप क्या करते? इसमें होता है लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये कैसे पेशेंट मेडिसिन खाते हैं, तो जो हमारे बस में होता है तो हम सीनियर अथॉरिटी से कंसल्ट करके उनका करवा देते हैं। बट अभी जैसे ये हो गया, कोई मेजर सर्जरी हुआ है, या फिर कोई प्रेगनेंसी में है, या फिर कुछ है, तो वैसे टाइम पे तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते ना, तो उनके लिए कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टाइम पे हमको लगता ही है, तो वैसे भी वैसे पेशेंट तो 1-2 घंटे में उनका काम हो जाता है, और अगर पेशेंट आता है रिटर्न लेटर लेके, तो हम उनको लाइन में खड़ा नहीं रखते, हम उनको सीधा एंट्री दे देते। तो ध्यान दीजिए कि ये स्क्रीनिंग सेंटर है, स्पॉट है। यहाँ पे एक्चुअली होता यह है कि जो पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़, हार्ट का, या शुगर, या प्रेगनेंसी वगैरह कुछ होता है, तो यहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनसे पूछ गुछ की जाती है, और अगर उन लोगों को मतलब उनके डॉक्टर से एक लेटर एड पे राइटिंग में लेना होता है, वो राइटिंग का लेटर एड लाके इधर पे सबमिट करना होता है कि वैक्सीनेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर उसके बगैर आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा वेटिंग करना पड़ेगा, और थोड़ा उनका काम लेट होगा, वैक्सीन लेट होगा। मैंने भी लेके आया तो भी चलेगा, बट अपने फिजिशियन से आप एडवाइस लेके आओ एटलीस्ट, कि मतलब हम वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं। और अगर ऐसे ही आ गए और कुछ मेजर प्रॉब्लम रहा, तो ही हम रिटर्न लेटर लेते हैं। अगर माइनर प्रॉब्लम रहा, तो हम हमारे लेवल पे सॉल्व कर देते, ताकि पेशेंट कोई वापस ना जाए। सारे वैक्सीनेशन होता है, जितने पेशेंट आए उतनों।
कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर आपको कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम है या कोई आपका ट्रीटमेंट पहले से चालू रहा है तो इस चीज़ की तैयारी के साथ में आ जाइए ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हम इस वक्त आ चुके हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क पे। यहाँ पे जो है रजिस्टर किया जाता है, जो पेशेंट जिनको वैक्सीन दिया जाता है उनको इधर पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो हम इनसे भी पूछते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। सर नाम क्या? सर मेरा नाम देवेंद्र है। सर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काउंटर है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप बताएंगे किस तरह से आपका काम होता है, कैसे पूरा काम करता है? जो जिनको अपॉइंटमेंट से अलर्ट हो जाती है हमारे सिस्टम में उनका नाम आ जाता है, उनका जो आईडी रहता है वो आईडी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, उनका नाम चेक करते हैं, उसके बाद में टोकन बना के उनको आगे भेज देते हैं। तो ये जो वेटिंग रूम है आगे? हाँ यहाँ पे वेटिंग रूम है, दो काउंटर चलता है यहाँ पे, दो बूथ है और दो से रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ पे वेटिंग में बैठते हैं। और जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा है उनके लिए या कोई भी? अभी फिलहाल तो आज पांचवा दिन है ये बूथ सेंटर चालू होके, तो फिलहाल तो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन्होंने ऑफिशियली अपॉइंटमेंट लिया उनके लिए चल रहा है काम। ओके, तो उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप भी चेक करते हैं? हाँ, वो लोग जो आईडी अपना जिस आईडी से क्रिएट करते हैं अपॉइंटमेंट वो आईडी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन ओके करते हैं उनका। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर था, चलिए देखते हैं आगे। वेटिंग रूम है, यहाँ पे पानी टॉयलेट वगैरह और फैन वगैरह का फैसिलिटी दिया गया है। ये सारे पेशेंट बैठे हैं जिनका वेटिंग कर रहे हैं अपना नंबर आने का। देखते हैं आगे इसके क्या फैसिलिटी है। अंदर हम जब आए इधर पे दो वैक्सीन लगाने के लिए दो बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से हम फर्स्ट बूथ पे इस वक्त खड़े हुए हैं और इधर पे एक पेशेंट को डॉक्टर भी अवेलेबल है और एक पेशेंट को वैक्सीन दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। आपका नाम? रीटा उत्तेकर। आप रहते किधर है? थाने। थाने से? तो आप थाने से इधर वैक्सीन के लिए? हाँ, थाने से यहाँ पर वैक्सीन के लिए आई हूँ। तो इधर पे आपको किस तरह से मतलब इधर पे रजिस्ट्रेशन कैसे मिला आपको इधर पर? मैंने ऑनलाइन स्लॉट बुक किया कल रात को, कुछ तकरीबन 9 बजे के बाद जब स्लॉट खुला था तो मैंने ऑनलाइन स्लॉट बुक कर दिया और हो गया मेरा। तो ये मैडम है थाना से, इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन उनको थाना से चूनाभट्टी में मिला है, वो वैक्सीन के लिए इधर पे आई है। मैडम आप मतलब कुछ फील डर वगैरह ऐसा कुछ? इतने अच्छे मैडम बैठे, आज नर्सिंग डे है, इनका दिन है डॉक्टर्स और नर्सेस का, तो क्या डर है? अच्छी चीज़ तो है ये वैक्सीनेशन है, बचपन में लिया था अब भी ले रहे हैं। ओके, आपका नाम क्या है मैम? अनघा विश्वीकर। ओके मैडम, तो आप जो बीएमसी की तरफ से इधर पे अपॉइंट है या हॉस्पिटल की तरफ? नहीं, बीएमसी अंडर है। आपका ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक है? 9 to 6 बोला है हम लोगों को। तो इधर पे आप सुबह 9 बजे आ जाते हैं, उसके बाद में आपको ड्रेस टाइम वगैरह को लोगों को सेशन चालू करना पड़ता है, तो 8:30 बजे तक आके फिर सब ये अपना प्रिपेयर करके फिर 9 बजे सेशन चालू होता है। तो इसमें ब्रेक वगैरह कुछ मिलता है? हाँ, दो बूथ है तो हम लोग अल्टरनेट जाते हैं, थोड़ा हम लोगों का कोऑर्डिनेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग हाफ आवर ना कर ब्रेक ले लेते हैं। और जो आपको लंच वगैरह नाश्ता वगैरह कहाँ से मिलता है? यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से ही आता है, नाश्ता आता है, चाय आता है और लंच रहता है। पेशेंट किस तरह का बिहेव करते हैं? यहाँ पे आते हैं तो अक्सर पेशेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, तो किस तरह का बिहेव करते हैं? हाँ, एक तो फर्स्ट थिंग है कि ये पेशेंट्स नहीं है, ये बेनिफिशियरी है। पेशेंट को हम लोग वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, ये बेनिफिशियरी है जिनको हम वैक्सीन दे रहे हैं। इनका रिएक्शन एक्चुअली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, यंग लोग हैं तो फिर ज़्यादा है, सेल्फी लेके फोटो निकाल के वैक्सीन लेते हैं। ऐसे नहीं है कि डर नहीं है उनके मन में, जो है वो करना है, दैट्स इट। उसमें कुछ एज का लिमिट है ना जिनको वैक्सीन दिया जाए? जी हाँ, हमारे यहाँ 18 से 44 तक का स्लॉट है, उनके बीच में ही वैक्सीन देना है। और बाकी अगर 44 के ऊपर अगर होगा तो मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों को इतना बोला है कि वो रजिस्ट्रेशन बाहर से आता है तो 1844 का ही स्लॉट है, दूसरा बुकिंग शायद होता नहीं है 44 के अबव, 44 का ही। नजमबाग में हम लोग ने कल इंटरव्यू किया था तो उधर तो 45 के ऊपर से ये सेंटर के लिए स्लॉट 1844 के लिए ही ओपन होता है। 44 आप दिखाओ ढूंढोगे तो ये स्लॉट दिखाई नहीं देगा आपको, हॉस्पिटल दिखाई नहीं देगा।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे मैडम आपको। बोला तो हमारा फोटो भी निकाल ही दीजिए आप। हमारा फोटो निकाल दीजिए। ये एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये ले रहे हैं इसीलिए, और डॉक्टर दे रहे हैं इसीलिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इट इज अ प्रेशियस वन, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। चूनाभट्टी का ये सेंटर है, यहाँ पे 18 टू 44 इयर्स के एज के जो बेनिफिशियर होते हैं उनको यहाँ पे वैक्सीन दिया जाता है। हर एक का एज वाइज स्लॉट अलग अलग वार्ड में अप्रूव किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद में आगे क्या होता है, वैक्सीन लगाने के बाद बेनिफिशियर्स किधर पे जाते हैं और उनको क्या फैसिलिटी मिलते हैं। ये इस वक्त हम लोग जो वैक्सीन लगाने के बाद जो बेनिफिशियर्स है वो इधर पे आधे घंटे के लिए उनको हॉल्ट किया जाता है, ताकि उनको कुछ अगर साइड इफ़ेक्ट या कुछ उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो इधर पे उनको वेट कराया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का इधर पे ध्यान रखा गया है। इधर पे उनको कुछ नाश्ता वगैरह दिया जाता है, जो मतलब वैक्सीन लगाने के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो या कुछ उनको घबराहट या चक्कर भूख वगैरह ऐसा कुछ है तो इधर पर उनका ऑब्जर्व किया जाता है। अंकित, अंकित कहाँ से आए? बांद्रा से। बांद्रा से आए सर। आपने अभी वैक्सीन लिया है, कितना टाइम हुआ आपको? वो हाफ एन आवर हो गया है, वो मैं अपने प्रोसेस के लिए रुका हूँ बस। तो आपको फर्स्ट आपने वैक्सीन लिया है कि सेकंड? फर्स्ट, 18 तो 40 अभी चालू हुआ है ना, 45 तो फर्स्ट ही लिया है। Okay, तो आपको वैक्सीन लेने के बाद में कुछ फील हो रहा है? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल। हाँ सब नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको कुछ नाश्ता वगैरह दिया जा रहा है? हाँ पानी वानी दिया था, पानी वगैरह दिया जा रहा है। और मतलब ऑब्जर्वेशन वगैरह कोई डॉक्टर? हाँ डॉक्टर एक है, काफ़ी टाइम से घूम रहे थे, वैसे सब ठीक ही है, किसी को कोई साइड इफेक्ट्स तो फिलहाल नहीं है। ओके, दूसरे पेशेंट से पूछते हैं। धारावी, धारावी, धारावी से हो गया। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ मतलब तबीयत वगैरह कुछ खराब हो रहा है या जैसा चक्कर वगैरह? कुछ भी नहीं। सर्विस कैसी लगी यहाँ पे जो मैनेजमेंट है? सब अच्छा है। अच्छा है। बीएमसी की तरफ सब अच्छा है? यस, आई एम सैटिस्फाइड पूरी तरह से। यस। आप कैसा है, मतलब यंग है तो आप कैसा दूसरे लोगों को कैसे इम्प्रूव करेंगे, मतलब कैसा उनको बताएंगे क्या वैक्सीन लेना चाहिए क्या करना? सबको वैक्सीन लेना चाहिए मिल रहा है तो। सोशल साइट वगैरह पे आप कुछ डालते हैं, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब या फेसबुक वगैरह पे? हाँ हाँ सब, इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, सबको वैक्सीन करने बोला है लेने। ओके, यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे अपनी सेल्फी डॉक्टर्स के साथ में वैक्सीन लेते हुए ले रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। तो एक मिनट सर, तो इस वक्त हम खड़े हैं इधर पे काउंटर पे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम क्या है? प्रदीप गुलेछा। सर आपने कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया? सर मैंने डायरेक्ट मोबाइल से किया था, आयरिक से सर। एरिया कौन सा था? बोरीवली। बोरीवली से आप इधर पे आए हैं वैक्सीन के लिए। सर यहाँ पे जो फैसिलिटी है सर्विस कैसी? सर बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छी सुविधाएं थी। और कुछ दिक्कत वगैरह हुई? सर कोई दिक्कत नहीं, सब कोऑपरेटिव थे। तो यहाँ पे जो सर भी बहुत कोऑपरेटिव, सर ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता वगैरह ऐसा कुछ सब मिला? सर सर चाय वगैरह नाश्ता वगैरह सब मिला था सर। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ तांडेल साहब जो एक्स कॉर्पोरेटर है इस वार्ड के। तो हेलो सर, सर यहाँ पे हमने तो पूरा कवरेज किया, काफ़ी अच्छा सिस्टम है बीएमसी की तरफ से, बहुत मतलब सिस्टमेटिक सब सेटअप किया गया है, डॉक्टरों का वेटिंग रूम वगैरह। तो सर इसमें आप लोग यहाँ पे डेली रहते हैं? देखिए ये काउंसिलर फंड से पूरा स्ट्रक्चर बना चुके हैं, उसके बाद में लोकल काउंसिल की जिम्मेदारी है यहाँ के लोगों को गाइड करना, कुछ उनको जानकारी देना। अभी देखिए अभी दो दिन पहले हमारे डॉक्टर के डॉक्टर से आए थे, शाह डॉक्टर जी के, वो जल्दी जल्दी में वैक्सीन लेने के लिए आए थे, उनको स्लॉट था इसके लिए, लेकिन वो नाश्ता नहीं करके आए थे। तो हम लोग यहाँ पर नाश्ता का भी बंदोबस्त रखा है, जो खा के कोई नहीं आएंगे तो उनको नाश्ता भी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, अब देखा पानी रहेगा तो पानी भी दे रहे हैं। और यहाँ पर जो वेटिंग रूम में हम लोग 50-50 स्लॉट ले रहे हैं, 50 जन वेडिंग में रहते हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग जो न्यूज़ चैनल के लिए टीवी भी लगा के रखे कि उनको भी एंटरटेनमेंट हो जाए। उसके बाद में जो वैक्सीन लेने के बाद आधा घंटा आपको रेस्ट करना है, तो आप देखिए हर जगह फैन लगाए, गर्मी के दिन है, टेम्परेचर बहुत है, इसके लिए सीलिंग और स्टैंडिंग फैन दोनों साइड से लगाए कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। सर आप यहाँ पे जिस तरह से आप सुबह से शाम तक मैंने सुना है कि आप यहाँ पे रहते हैं, आप लोगों की सब हेल्प करते हैं,
तो कुछ दिक्कतें भी आती होंगी ना सर आपको, जैसे पेशेंट्स की जिस किसी को वैक्सीन नहीं मिलता या ऐसा? अभी तक हम लोग को वैक्सीन दे रहे थे, बहुत प्राउड था, लेकिन ये जो सिस्टम है कोविन ऐप है, आरोग्य सेतु है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है, इसमें महाराष्ट्र शासन या महानगर पालिका कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो स्लॉट बुक होता है एक दिन पहले स्लॉट बुक होते हैं, सेकेंड डे जो बुक होते हैं वो यहाँ पर लिस्ट आती है, उनको हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं। तो दिक्कत तो अभी तक कुछ नहीं हो रही है कि एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, युवा लोगों का कॉम्पिटिशन चल रहा है, जो भी ऐप से जल्दी जल्दी किसका हो वही कॉम्पिटिशन चल रहा है, जिसका होता है वो लोग आते हैं। कभी कभी दिक्कत ऐसी भी होती है कि स्लॉट में नाम है, अभी दो केस ऐसे हैं कि उनका अबव 45 ईयर था लेकिन उनको स्लॉट में बुकिंग दिखाया, और एक ऐसे इसका बिलो 44 है, आज ही एक लड़का है बिलो 44 है, उसका स्लॉट उसके पास दिखा रहे हैं लेकिन इसमें नाम नहीं है। तो हम लोग जी तो ऐसे वक्त में आप क्या करते हैं? ए ओ चो हमारे शिला जगताप जी है, उनको भेजा है, एम ओ एच को भेजा है, उन्होंने करेक्शन करने के लिए बोले हैं, वो करेक्शन करके उनको भी हम लोग दे देंगे वैक्सीन। तो सर यहाँ पे जो डॉक्टर्स है, यहाँ पे जो भी अपनी मतलब सर्विस दे रहे हैं बीएमसी की तरफ से या आपकी तरफ से जो लोग है, इनका मतलब टाइमिंग क्या है और इनको खाना पीना और इनके जो थोड़ा? हम लोग सुबह का नाश्ता डॉक्टर स्टाफ के लिए और हमारे वॉलंटियर्स देख रहे हैं, ये हमारे वॉलंटियर्स हैं हम लोग, ये सब लोग दिन में 15-20 वॉलंटियर बाहर 5 जन अंदर, और हर एक को बराबर गाइड करके अंदर लेके आ रहे हैं, और इनका जो नाश्ता जो भी है नाश्ते से लेके खाने तक सुबह से चालू रहता है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारे विजय टांडेल साहब जो एक्स कॉरपोरेटर है यहाँ पे एल वार्ड में, एल वार्ड लगता है ना, अभी मिसेस काउंसलर है। अच्छा, अभी इनकी मिसेस काउंसलर है, उनका नाम बताएंगे? सानवी टांडेल। सानवी टांडेल, जो सानवी टांडेल है जो प्रेजेंट में इधर पे काउंसलर है और ये एक्स काउंसलर है, ये उनकी तरफ से इधर पे मौजूद रहते हैं, लोगों को वैक्सीन देना, उनका नाश्ता, उनका तबीयत वगैरह, और अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में या किसी को मिल नहीं पाता है स्लॉट्स वगैरह में, तो वो उसको सॉल्व करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं।